नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ इलाहाबाद के जाने माने नेता पूर्व मंत्री उज्ज्वल रमण सिंह हैं। समाजवादी पार्टी नेता उज्ज्वल रमण सिंह प्रदेश के भी जाने माने नेता हैं। आज हम उनसे उनके राजनीतिक और क्षेत्रीय राजनीति, प्रादेशिक राजनीति और देश की राजनीति पर बहुत विस्तार से बात करेंगे। उज्ज्वल साहब, मेरे टॉक शो में भाग लेने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है, अभी जो बीता हुआ लोकसभा चुनाव था, क्या स्थानीय नेताओं की अनिच्छा से जो है प्रत्याशियों का चयन हो गया, इसकी वजह से बहुत मजबूत गठबंधन की बहुत खराब हालत थी? तो मैं ऐसा नहीं मानता। हमारी पार्टी ने सोच समझ कर एक फैसला लिया था और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो फैसला था वो मुझे लगा कि बेहतर फैसला था, पार्टी हित का फैसला था। और जो पिछला लोकसभा चुनाव, खाली मैं इलाहाबाद की ही नहीं, प्रयागराज की ही नहीं, पूरे भारत में जो एक हवा चली पठानकोट और बालाकोट के बाद, मुझे लगता है कि उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी उठाने में कामयाब रही और उसी की वजह से उनको अपेक्षित सफलता मिल सकी। सर, उससे पहले नोटबंदी की क्राइसिस हुई थी 2014 में, भी तो उनको एक बार सरकार बन गई थी 2019 में, बड़ा ये किसी को अपेक्षा नहीं थी कि ये गठबंधन इतना जल्दी इतना फेल हो जाए। लेकिन स्थानीय नेताओं की सलाह ना लेकर जो प्रत्याशी उतारे गए उनके प्रति को जनता नहीं जानती थी, क्योंकि अब विश्वास में ऐसा कर दिया गया। मेरा मानना है कि गठबंधन में थोड़ा समय कम मिला, अगर समय थोड़ा पहले मिला होता और प्रत्याशी थोड़ा और पहले आए होते तो मुझे निश्चित तौर से ये विश्वास था कि हम खास तौर से प्रयागराज में अपना प्रत्याशी जीता सकते थे। आगे आते समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसने लैपटॉप, पेंशन योजना, कन्या विद्यालय, तमाम आवासीय योजना, ये सारी चीजें चलाई, पुलिस में सुधार किया, इसके बावजूद क्या वजह रही कि समाजवादी पार्टी विपक्ष में है और कमजोर विपक्ष? मैं कमजोर विपक्ष तो नहीं मानता हूं, लेकिन ये है कि हम अपनी चीज़ों की मार्केटिंग, जितना बीजेपी थोड़ा सा काम करती है उसकी मार्केटिंग ज़्यादा करती है, हमने ज़्यादा काम किया और अपेक्षाकृत हमने लोगों के बीच अपनी मार्केटिंग में उतनी सफलता प्राप्त नहीं की। इस मामले में मैं मानता हूं पीछे रह गए और इसकी वजह से लोगों के मन में एक छाप नहीं बन पाई और एक प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया अखिलेश यादव जी के खिलाफ, मैं तो कहूंगा उनको गद्दी से हटाने के लिए, और जिसका लाभ उनको चुनाव में मिला जो है 2017 के चुनाव में। लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी हर मुद्दे पर पिछले 3-3.5 सालों में, चाहे विधानसभा में और चाहे विधानसभा के बाहर, अगर लड़ती दिख रही है तो वो समाजवादी पार्टी, चाहे किन्हीं मुद्दों पर। मैं तो देखता हूं कि कभी भी अगर कचहरी पर धरना प्रदर्शन करने की बारी होगी तो पिछले 3.5 सालों में, चाहे तहसील से लेकर कचहरी तक, अगर किसी ने धरना दिया है तो समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी की पार्टी के कार्यकर्ता और समर्पित और जुझारू पब्लिक ने धरना दिया है। नेताजी, आप एक चीज बताइए, आप प्रयागराज के ताकतवर नेता है, प्रयागराज में समाजवादी पार्टी की स्थानीय गठबंधन है वो समाप्त क्यों? पहली बात मैं तो ये कहूंगा कि ताकत उम्र कोई नहीं होता है, ताकत जनता से मिलती है और जनता जिसके पीछे होती है वो ताकतवर होता है। और समाजवादी पार्टी में गुटबंदी कभी न थी, न है और न कभी रहेगी। लेकिन हर आदमी का अपना कार्य क्षेत्र है, हर आदमी अपने कार्य क्षेत्र में प्रभावी है और जिस तरीके से वो अपना काम करते हैं, और हमारे सर्वोच्च नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है जो फैसला करते हैं वो सभी को मान्य होता है। मेरा अगला सवाल ये है नेताजी, आप विधायक हैं, कई बार विधायक हैं, आज जो है विधायक विधायक कार्य के अलावा तमाम इधर काम करते हैं, आखिर विधायक विधायिका छोड़कर और सारे काम करते हैं ऐसे? ये विधायिका पर और विधायकों पर प्रश्न चिन्ह है, ये गंभीर विषय है जिसको हम लोगों ने विधानसभा में भी उठाया, अपने विधानसभा के अध्यक्ष के सामने भी उठाया और अभी कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का एक लखनऊ में 3 दिन का सत्र हुआ था जिसमें हमारे ओम बिरला जी आए थे जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं,
उनके सामने भी इस बात की चर्चा हुई कि विधायी कार्यों की अनदेखी करके हम सारे कार्य कर रहे हैं, तो लेकिन उस पर गंभीर चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा के अध्यक्ष और सारी पार्टियां मिलकर जरूर इस गंभीर विषय पर, क्योंकि विधायकों की गरिमा भी दिन पर दिन पब्लिक में गिरती चली जा रही है, ये एक शोचनीय विषय है। बिल्कुल, वो अन्य काम करने लगे, घर का गांव का पंचायत करवाने लगे हैं और बिजली पानी नल का तो काम पार्षद से लेकर विधायक सब तक आदमी पहुंच जाता है। जो मेन होता है कि आपके यहाँ कौन से ऐसे कानून बने जो प्रदेश को प्रभावित करे और आपकी क्षेत्र को प्रभावित करे, उस पर विधायक लोग पहुंचे। वर्तमान राजनीति का ये संकट है जिसको सभी पार्टियों को मिलजुल कर और सभी राजनीति में काम करने वाले लोगों को बैठकर इस पर कोई न कोई निर्णय करना चाहिए। अच्छा नेताजी, आप एक चीज बताइए, पिछले दशक से आपको क्या लगता है, राजनीति का प्राधिकरण हो गया या अपराधियों का प्राधिकरण? देखिए, जो बात आप कह रहे हैं ये 100% सही है, कहीं न कहीं राजनीति के स्तर में गिरावट आई है और मैं अपराधीकरण का शब्द तो नहीं, लेकिन हर क्षेत्र में समाज का चाहे कोई भी वर्ग हो हर जगह गिरावट आई है, जिसमें राजनीति का भी एक क्षेत्र है और इसकी गरिमा और इसके अस्तित्व को बचाने की जिम्मेदारी जो राजनीति में कार्य करने वाले लोग या राजनीतिक पार्टियां उनके ऊपर है। मैं तो राजनीतिक पार्टियां अगर किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट न दें जिसकी छवि अच्छी न हो, जो राजनीतिक सोच विचार का व्यक्ति न हो, और इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बढ़ चढ़ कर काम किया है, जो 2017 का चुनाव था उसमें हमारे को कई सीटें हमको गंवानी पड़ी, कई लोगों का साथ छोड़ना पड़ा, लेकिन हमने उसके साथ समझौता नहीं किया और आप एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकते जो समाजवादी पार्टी में राजनीतिक न रहा हो जिसको टिकट मिला हो। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी सरकार पर हमेशा आरोप लगाती रही इसमें रहने वाले लोग जमीन कब्जा करते हैं, जमीन कब्जा करते हैं, जंगल राज करता उसने जो है नारा भी दिया था। आपको क्या लगता है कि जमीन कब्जा करने वाला आरोप कितना सही था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। भारतीय जनता पार्टी को मैं हमेशा कहता हूँ कि उसके तो 10 सिर हैं, हर आदमी एक अलग जबान में बात करता है, तो उनकी बातों का अगर आप गंभीरता से लेंगे तो विश्व हिंदू परिषद कुछ बोलेगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुछ बोलेगा, उनके दल कुछ बोलेंगे, उनके संगठन सचिव कुछ बोलेंगे, उनके विधायक कुछ बोलेंगे। मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की बातों को पब्लिक ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन कहीं न कहीं उनके बनाए हुए मार्केटिंग के जाल में और जिस तरीके से उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कब्जा करके और जिस तरीके से आज जितना हम तो कहेंगे लगभग 14,000 करोड़ रुपए का विज्ञापन भारतीय जनता पार्टी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या विभिन्न सरकारें दे रही हैं और जिसके बदौलत अगर आप प्रचार देखें उनका तो पूरे देश में एक ही पार्टी का प्रचार हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी का। इसका एक ही जवाब विपक्ष के लोग दे सकते हैं कि हम इकट्ठा होकर जनता के बीच में जाएं, जनता के मुद्दे उठाएं और जनता के बीच संघर्ष करें। अगर हम संघर्ष करेंगे तो उसका लाभ आने वाले दिनों में हमको चुनाव में मिलेगा। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी जो जनता के बीच में है? मैं तो मानता हूं समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश में जनता के बीच है। मैं तो सिर्फ आपसे एक चीज कहता हूं, पिछले 3.5 साल का समय बीत गया, आप तहसील से कचहरी तक एक पार्टी का नाम बतला दीजिए जिसने धरना किया हो, प्रदर्शन किया हो। मैं तो सिर्फ करछना की बात बतला देता हूं, पिछले 3.5 सालों में 6 बार तहसील को हम लोगों ने विभिन्न मुद्दों पर घेरने का काम किया। सर, मेरा अगला सवाल है, अभी मैं राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश स्तर के सवाल कर रहा हूँ, क्षेत्र के सवाल में करूंगा अभी बात। सर, आप ये बताइए, भारतीय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जब गठबंधन हुआ इतना मजबूत गठबंधन था कि राजनीतिक विश्लेषकों को ये उम्मीद नहीं थी कि ये परिणाम आएगा, लोकसत्ता सत्तर गठबंधन से ले रहे, इसकी सफलता की वजह उज्ज्वल रोड का मानते जो फैसला जो रिजल्ट आया वो भी हम लोगों को चकित करने वाला था, इसकी हम लोगों को भी आशा नहीं थी। हम लोग भी आशान्वित थे कि पूरे प्रदेश में इसके नतीजे अच्छे निकलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बालाकोट के बाद जो देश में एक राष्ट्र भावना की
एक पूरी लहर जो बनी और जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी उठाने में सफल रही। मुझे लगता है कि उस गठबंधन में वो भारी पड़ा और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को अधिक लाभ मिला। समाजवादी पार्टी तुष्टिकरण की राजनीति करती थी और ध्रुवीकरण जीत गया, ये तुष्टिकरण ध्रुवीकरण की राजनीति कौन बनता है? देखिए, ये कहने की बातें हैं। समाजवादी पार्टी जब से बनी है, हमारा सामाजिक न्याय और समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान, जो डॉक्टर लोहिया का सपना था, वही लेकर हम चलते हैं। और बाकी ये राजनीतिक विश्लेषक इन चीजों की चर्चा करते हैं, तुष्टिकरण है, ध्रुवीकरण है, लेकिन मैं इनको बहुत नहीं मानता। मेरा मानना है कि संघर्ष करने वाला आदमी हमेशा जीतता है। देखिए, आप बीजेपी लहर में भी आपने जो है कल्चरल सीट जीती है, एक विधायक के रूप में, प्रदेश के नेता के रूप में मैं ये जानना चाह रहा था, आपको नहीं लगता कि अगर सपा बसपा गठबंधन होता वर्तमान में 2022 में बीजेपी को सब तरह कर? देखिए, राजनीति पे अब हमारा भी व्यक्तिगत रूप में लंबा समय हो गया है, लगभग 16 साल के, और राजनीति को देखते हुए भी मेरा बहुत लंबा समय हो गया। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि हर चुनाव की अपनी स्थिति परिस्थिति होती है, अगला चुनाव भी एक नई परिस्थिति पर, एक नए उस पर लड़ा जाएगा, और कब पीछे क्या हुआ उसको विसार कर अब आगे की राह देखनी चाहिए, और आगे की राह का रास्ता संघर्ष के भी कोख से निकलता है। अगर हम संघर्ष करेंगे, जनता के मुद्दों के बीच, जनता के बीच में रहेंगे, तो जनता हमेशा आशीर्वाद देती है। इसी से रिलेटेड था मेरा, आपको नहीं लगता कि जो है बीजेपी गठबंधन को हटाने के लिए दूसरा गठबंधन समाजवादी पार्टी में सबसे बनना चाहिए? वर्तमान परिस्थिति में मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ समाजवादी पार्टी सक्षम है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, लेकिन हमको कहीं न कहीं अति आत्मविश्वास में नहीं, लेकिन हमको जमीन पर काम करते रहना चाहिए, लोगों के बीच बने रहना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए, उनके मुद्दे, पब्लिक के मुद्दे उठाते रहना चाहिए। और जनता जिस तरीके का कुशासन रहा है पिछले 3.5 सालों में, जिस जंगल राज और जिस भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया था, आज पूरे देश में, और मैं नहीं कहता, सुप्रीम कोर्ट कहती है, देश की सर्वोच्चतम न्यायालय कहती है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। मैं तो सिर्फ प्रयागराज का उदाहरण कह दूं, पिछले 3 महीने में बतला दीजिए कितनी हत्याएं इलाहाबाद में हुई। ये तो मिसाल है, ये तो बदनाम समाजवादी पार्टी को किया गया, समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक साजिश, एक षड्यंत्र की गई जिसको सिर्फ बदनाम हमको किया गया। लेकिन आज उससे ज्यादा बुरे हालात पूरे इलाहाबाद में ही नहीं, पूरे प्रदेश में, जिस तरह उन्नाव की घटनाएं बढ़ चढ़कर, जिस तरीके से पश्चिम में घटनाएं लगातार हो रही हैं, ये इस बात को दिखलाता है कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के हाथ में का इकबाल खत्म हो गया है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। साहब मानते हैं कि कहीं काम करके गठबंधन की छूटने की जरूरत है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद कहा है, जहां पर एडजस्टमेंट करने की जरूरत होगी हम वहां पर करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी, कोई गठबंधन नहीं। जहां एडजस्टमेंट की जरूरत होगी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां पर सही समय आने पर सही फैसला करेंगे। सर, अब जो है लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव 2022 में बहुत समय नहीं बचे हैं, 2022 की जनवरी फरवरी में हो सकता है चुनाव भी। आपको नहीं लगता कि कुछ चुनावों को प्रभावित करने या इस तरीके की बात होने के लिए फिर एक बार बालाकोट जैसी किसी घटनाएं सामने आ रही? निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ कि जिस तरीके से चीन की घटना, चीन ने वहां पर घटना को अंजाम दिया और भारतीय सैनिक शहीद हुए, मैं उनकी शहादत को सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में मैंने पहले भी कहा और अभी भी कहता हूँ कि इन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये चुनाव जीतने के लिए वर्तमान भारतीय जनता पार्टी कोई भी हथकंडा अपनाने को तैयार है। उज्ज्वल जी से बातचीत जारी रहेगी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नेताजी, अगला मेरा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उसने जो है बेरोजगारों के सीधे खाते में पैसा जमा करवाया,
उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि तमाम कंपनियों से हमने समझौता किया, आप उसी विधायक का अंग हैं, विधानसभा के सदन के अंग होता है, आप इस चीज को कितना सही मानते हैं? आपने परीक्षण किया कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार जो कह रही है कितना सही? मैं तो सिर्फ जनता से ही पूछना चाहूंगा, इलाहाबाद लगभग 50 लाख का जिला है, 50 लाख की आबादी का, फतेहपुर है, कौशाम्बी है, बगल के भदोही है, मिर्जापुर है, एक आप इंडस्ट्री का नाम बतला दें, एक उद्योग का नाम बतला दें, एक कल कारखाने का नाम बता दें जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे 6 साल की दिल्ली की सरकार में और चाहे 3.5 साल की वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार में लगा हो। अगर नहीं लगा तो जनता खुद उसका जवाब आने वाले दिनों में चुनाव में दे देगी। अगला सवाल सर, आज उत्तर प्रदेश और देश के निगाह में क्या समस्या? देखिए, देश में समस्याएं अनेक हैं और देश की समस्या अलग है, हमारे प्रदेश की समस्या अलग है। आज मैं समझता हूँ कि बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या, मैं तो चाहे जनपद प्रयागराज की बात करूं या उत्तर प्रदेश की करूं, जो नौजवान लड़का है वो आज भटक रहा है। आज जिस तरीके से प्रवासी भारतीय प्रवासी मजदूर लोग बाहर से लौटे, मुझे तो नहीं लगता कि न केंद्र को इसकी जानकारी थी और न प्रदेश को इसकी जानकारी थी कि इतने बड़े पैमाने पर हमारे प्रवासी मजदूर बाहर काम कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा, दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमारे किसान भाइयों की है, जिस तरीके से छुट्टा जानवर हमारी फसलों को खा रहे हैं, हमारी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। और सरकार आज के दिन तक, ठीक है कागजों में हमारी गौशालाएं चल रही होगी, मैं तो आपसे कहता हूं मनोज जी, आप कभी जाकर जो है पूरे जमुना पार में किसी एक गौशाला का निरीक्षण कर लीजिए और देखिए कि किसानों की हालत क्या है। किसानों की हालत भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार में और उत्तर प्रदेश की सरकार में दिन पर दिन बदतर हुई है। मैं कहूंगा शिक्षा के क्षेत्र में भी हालात बद से बदतर हुए हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में भी हालात बद से बदतर हुए हैं। मात्र 3.5 साल में हुए कि पहले से? मैं तो छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारी नेताजी की सरकार 2004 से 3 से 7 तक थी, हमने लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। अखिलेश यादव जी की सरकार थी, चक गजेरिया में आप जाकर देखें, एक हमने कैंसर संस्थान शुरू कर दिया जिसको भारतीय जनता पार्टी चलाना नहीं चाहती। मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक अस्पताल का नाम बतला दें। गुजरात में जहाँ से मोदी जी 14 साल मुख्यमंत्री रहे, एक सरकारी अस्पताल का नाम कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता बतला दे, चाहे वो सरकारी अस्पताल जो है बतला दे। केंद्र की सरकार बतला दीजिए, एक अस्पताल बतला दे जो एम्स के नाम पर, इलाहाबाद में एम्स खुलना चाहिए। इलाहाबाद को अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ उनके सारे सांसद उनके सारे विधायक उनके यहाँ से उप मुख्यमंत्री यहाँ से 2 कैबिनेट मंत्री, तो इलाहाबाद के साथ उपेक्षा की गई, जनपद प्रयागराज के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उपेक्षित किया है और इलाहाबाद को पीछे धकेलने का काम किया है। इलाहाबाद की जरूरत चिकित्सा क्षेत्र में एक एम्स की थी, हमारे समय में अखिलेश यादव की सरकार थी, हमने एक नई स्टेट यूनिवर्सिटी बनवाई, आप जाकर देख लीजिए चालू हो गई कि नहीं हो गई है। और इससे पहले जब कांग्रेस पार्टी थी तब हमने इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज को 150 करोड़ रुपया दिलवाया था, उस समय जो है मोतीलाल नेहरू का 150वीं वर्षगांठ थी, उस समय सांसद वो रेवती रमन सिंह जी थे। तो हमारा लगातार प्रयास जनपद प्रयागराज को आगे बढ़ाने का रहा है, लेकिन मुझे दुख है कि इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इस जनपद के साथ पीछे करने का काम किया। चलिए सब कुछ स्थानीय राजनीति पर बात करते हैं, सारे डेवलपमेंट के प्लांट चाहे पावर प्लांट हो चाहे और सारे उद्योग हो वो यमुना पार में है। अच्छा सर, फिर भी आज यमुना पार में आधारभूत संरचना की कमी, आधारभूत विकास की कमी है, इसके पीछे किसका कारण मानते हैं आप? देखिए 3.5 साल की बीजेपी सरकार की या पिछले सरकार की? देखिए, लगातार लोगों के बीच हमको प्रयास करने की जरूरत है। यमुना पार उपेक्षित रहा है लंबे समय तक और पहली बार जब भी हम सरकारों में रहे या हम लोग सरकारों में रहे, समाजवादी पार्टी की या जनता दल की सरकार बनी, लगातार यमुना पार के साथ हमने न्याय किया है और उसको आगे बढ़ाने का। मैं छोटा सा उदाहरण दे दूँ, आप इलाहाबाद में पता कर लीजिए सरकारी नलकूप कितने हैं, आप हमारी विधानसभा में पता कर लीजिए सरकारी नलकूप कितने हैं, आपको अंदाजा पता लग जाएगा कि
कहां काम हुआ। जमीन पर देखिए कहने और करने में बड़ा फर्क होता है। हम भाषण बहुत दें और काम न करें। देखिए हमारी जो राजनीति है वो जनता के बल की राजनीति है। अगर जनता के अपेक्षाओं पर हम खरा नहीं उतरेंगे तो जनता हमारे पीछे नहीं है। जनता का आशीर्वाद अगर हमको मिलता रहा तो इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि कहीं न कहीं लोगों के मन में एक विश्वास रहा, लोगों के मन में एक अपेक्षा रही कि अगर हम सत्ता में आए तो हमारे क्षेत्र की तरक्की होगी। कर्चना के आप कई बार बताए गए, आपके डैडी भी कई बार बताए गए, कर्चना की आज क्या समस्या बची हुई है जो करना है? देखिए कर्चना में आज जो मैं सबसे बड़ी समस्या मानता हूँ वो औद्योगिकीकरण की समस्या है। अगर कल कारखाने हम कर्चना में लगातार अगर हम लगवाने में सफल हुए तो मैं इसको बहुत बड़ी देन मानूंगा कि कर्चना आगे बढ़ सकता है। आज कर्चना में सरस्वती हाईटेक सिटी हमने अखिलेश यादव जी से कहकर हम लाए थे, इसका काम भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा पीछे कर दिया, लेकिन अब काम चल रहा है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि इसमें कुछ न कुछ कल कारखाने आएंगे और कर्चना का विकास होगा। आपको क्या लगता है 2022 में समाजवादी पार्टी तो मेरी आशा और मैं आशान्वित भी हूँ कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी जो मौजूदा समय में जनता के बीच हम रुझान को देख रहे हैं। हम जब भी रहते हैं 24 घंटा उपलब्ध है, चाहे टेलीफोन पर चाहे व्यक्तिगत रूप में। और मेरा राजनीति में एकमात्र उद्देश्य लोगों की भलाई करना है। मैं किसी राजनीति का एकमात्र उद्देश्य शुरू से ये रहा कि जनता की भलाई करें, जनता को आगे बढ़ाएं और खासतौर से गरीब लोगों को। देखिए सामर्थ्यवान व्यक्ति अपने साधन को वो हमेशा ढूंढ लेता है, लेकिन गरीब व्यक्ति तक अगर हम पहुंच सकें तो मेरी हमेशा कोशिश है और आगे भी ये कोशिश हमारी जारी रहेगी। कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर अगर हम मुस्कान ला सकें तो हम अपने आप को सफल राजनीतिज्ञ मानेंगे। हमारा अंतिम सवाल है नेताजी, 2022 विधानसभा आगामी चुनाव को देखते हुए कर्चना की जनता को है जो विधायक के रूप में उज्ज्वल रमन की क्या समझते हैं? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ने आपको ठगा है, आपको छला है, आने वाले 2022 में आप इकट्ठा होइए, सभी जाति सभी धर्म को बुलाकर एक मत होकर अखिलेश यादव जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का सपना देखिए। और मुझे लगता है कि अगर अखिलेश यादव जी दोबारा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो कहीं न कहीं बेहतर रूप में पूरा प्रदेश, पूरा जनपद प्रयागराज और खासतौर से कर्चना की अगर खुशहाली वापस लौटेगी तो सरकार बनने से जरूर लौटेगी, इसका मुझे विश्वास है। और जनता से अपील है कि जो भी संघर्ष अब अगले 1.5 सालों में हम लोग करने जा रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। जो भारतीय जनता पार्टी के कारनामे हैं, जो कारगुजारियां हैं, जिसको हम अगले 1.5 सालों में उजागर करने जाएंगे उसमें आपको बढ़ चढ़ कर अगर अगर हिस्सा लेंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा और कहीं ना कहीं पुनः सत्ता की वापसी में पुनः अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने में सहायक बनेगा। अभी आपने देखा हमारे साथ कर्चना के समाजवादी पार्टी विधायक उज्ज्वल अमर जी थे। उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चीज़ों की मार्केटिंग बहुत की और समाजवादी पार्टी के कार्यों को झूठा आरोप लगाकर प्रचारित किया, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी की हार हुई और भाजपा ने कभी भी जो जनता की भलाई के लिए काम नहीं किए। आज भी जो है प्रयागराज जनपद तमाम सुविधाओं से महरूम है, इसको पूरा नहीं कर रहे हैं। उज्ज्वल अमर जी का विश्वास है कि आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा और वो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी जिससे प्रदेश का विकास होगा। आज समाजवादी पार्टी इन तमाम जनता के आंदोलन को करती है। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो, आगे भी मैं आपको प्रयागराज की